हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि AKTU सेशन 2022-23 का सेकंड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है BAS 203। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेसन प्लान और सिलेबस, ये डिस्कस हम करने वाले हैं। और मैं आपको अपने चैनल पर ले जाकर बताऊंगा कि कहां पर आपको ये सभी प्लेलिस्ट, सभी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये आप सभी जानते हैं कि जो सेशन है आपका 22-23 सेशन है, बीटेक फर्स्ट ईयर इवन सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स को, और सब्जेक्ट का नाम है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, और सब्जेक्ट कोड इसका होता है BAS 203। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में चलता है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो आपका 5 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, सिलेबस जो है 5 यूनिट में डिवाइड है, तो पांचों यूनिट के अपने आउटकम होते हैं, कोर्स आउटकम जिनको हम कहते हैं, CO1 फर्स्ट यूनिट के लिए, CO2 सेकंड यूनिट के लिए, CO3 थर्ड के लिए, ऐसे ही CO4 CO5 पांचों यूनिट के लिए अलग अलग हमारे ये आउटकम्स होते हैं, जिनको हम कोर्स आउटकम्स कहते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं कि सिलेबस है क्या। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपका लास्ट ईयर तक सिलेबस था, 80% सिलेबस वही है। मतलब यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये 4 यूनिट हमारी सेम है, जो कि आपने पिछले पिछले साल या उससे पिछले साल सिलेबस पढ़ा था, वो सेम है हमारा। बस केवल एक ही यूनिट चेंज हुई है, यूनिट 2। यूनिट 2 में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट 2 को छोड़कर बाकी जो 4 यूनिट है वो पुराने ही हमारी वीडियोज चलेगी, है ना। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर ले जाकर बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे, फिर सिलेबस को मैं बताऊँगा। जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाते हैं, फियरलेस इनोसेंट मैथ, ये आपका चैनल है, जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको होम पेज इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो सबसे ऊपर आ जाता है वीडियोस। वीडियोस में जो मैंने लेटेस्ट वीडियोस अपलोड की है वो आपको दिख जाती है। उसके जस्ट नीचे आता है हमारा पॉपुलर अपलोड। पॉपुलर अपलोड में जो पॉपुलर वीडियोस है वो आपको दिखाई देगी। उसके जस्ट नीचे ये आपका आ जाता है सेक्शन, जिस पर लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड BAS 203 सेशन 2022-23 अपडेटेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट। तो ये आपको पांचों जो यूनिट है आपकी, सबकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है। जैसे कि मैंने बताया, यूनिट 1, 3, 4, 5 ये पहले वाली ही वीडियोस चलेगी, क्योंकि सिलेबस वही है सेम। ठीक है, बस यूनिट 2 है, यूनिट 2 में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है, इसकी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करता हूँ और विद इन 15 डेज ये यूनिट भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस सेक्शन में जाएंगे तो पांचों यूनिट्स आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में सबसे लास्ट में आपको 1 सूट रिवीजन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैंने आपकी सभी यूनिट्स को का 1 सूट भी बना रखा है, एक ही शूट में सारी यूनिट को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। तो ये सब आपको सेक्शन में मिलेगा। जैसे आप यूनिट 1 पे क्लिक करेंगे तो यूनिट 1 पे आपको यूनिट 1 के सिक्वेंसली, जैसा कि आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे। ये आपके टोटल लेक्चर्स होंगे यूनिट 1 के। यूनिट 2 जो कि मैं अपलोड करूंगा, अभी इसमें वीडियोस अपलोड नहीं है, एक ही वीडियो है, इसको मैं अपलोड करूंगा। यूनिट 3 पहले वाली ही यूनिट है आपकी सेम बिल्कुल, है ना, सभी वीडियोस मैंने सिक्वेंसली लगा रखे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ऐसे ही यूनिट 4, यूनिट 4 पर क्लिक करेंगे तो यूनिट 4 की सारी वीडियोज मिल जाएगी, स्क्रॉल करने पर आपको सभी वीडियोज मिलेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यूनिट 5, ठीक है, ये सभी वीडियोस मिलेगी। लास्ट में आपको मिलेगा 1 सूट रिवीजन, ये 1 सूट रिवीजन है पांचों यूनिट का, जो मैंने लास्ट ईयर किया था, यही काम आएगा आपके। तो आप इस तरीके से चैनल पर जाकर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पूरा सेक्शन आप देख सकते हैं। इससे नीचे भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, उससे नीचे जाएंगे इंजीनियरिंग, ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक है जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, है ना, ये ऑलरेडी वीडियोज बनी है। मैथमेटिक्स 3 है हमारा, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स KS जो पुराने सिलेबस का था वो है, BS 103 जो आपने पढ़ लिया अभी लास्ट सेमेस्टर में। तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सारे सेक्शन मिल जाते हैं जो मैंने
बिल्कुल सेपरेटली एक एक सेक्शन में सभी वीडियोस प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बहुत इजीली आप इनको फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। चलिए अब अपनी वीडियो पर चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस के बारे में। यूनिट वन में आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम CFPI निकालना सीखेंगे, कोची आयलर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे यूनिट वन में, जिसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल है। यूनिट टू आती है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट टू होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये नई हमारी प्लेलिस्ट ये नई हमारा यूनिट ऐड हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, हालांकि इसकी कुछ वीडियोस पहले से अपलोडेड है, लेकिन मैं बिल्कुल रिफ्रेश तरीके से इसको बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो यूनिट टू मैं अपलोड करूंगा। यूनिट थ्री ऑलरेडी अपलोड है ना। यूनिट थ्री जिसमें आप पढ़ेंगे सिक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंसी, फिर टेस्ट, इसके रेशियो टेस्ट, डी नंबर टेस्ट, रेबिस टेस्ट, साथ ही साथ में कंपैरिजन टेस्ट, फिर फोरियर सीरीज, हाफ रेंज, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, ये हम डिस्कस करेंगे यूनिट थ्री में। यूनिट फोर और फाइव ये होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, दोनों यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की होती है। एक में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, एक में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के डिफरेंशिएशन में हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोची रीमान इक्वेशन है ना, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, कन्फर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिसकी वीडियोज़ ऑलरेडी सब बनी हुई है सिक्वेंसली प्लेलिस्ट में। यूनिट फाइव में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, जिसमें आप कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर लॉरेंट सीरीज, सिंगुलरिटी, जीरोज, कोची रेजिड थ्योरम एटसेट्रा, ये सब यूनिट फाइव में पढ़ेंगे। इसकी भी वीडियो सभी बनी हुई है, एक आध वीडियो मिस होगी तो मैं इसको बना दूंगा। ये हमारा लेसन प्लान होगा, लेसन प्लान जिसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो लेसन प्लान में आपका यूनिट वन 13 लेक्चर्स में कवर है ना, 13 लेक्चर्स में कवर है, जिसमें CFPI और सभी टॉपिक्स को मैंने लेक्चर वाइज 13 लेक्चर में इसको कवर किया है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए इसको। यूनिट टू स्टार्ट हो जाती है आपकी 14 लेक्चर से, और जो कि 25 लेक्चर तक कंप्लीट होगी, 25 लेक्चर्स तक ये यूनिट टू कंप्लीट हो जाती है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। यूनिट थ्री जो सिक्वेंस और सीरीज वाली यूनिट है वो 26 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी हमारी 35 तक, जिसमें फोरियर सीरीज, सिक्वेंस सीरीज सभी आ जाएगी। यूनिट फोर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जो कि 36 से 45 तक जाएगा, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी, हार्मोनिक फंक्शन, मिलनेस थॉमसन, कन्फर्मल मैपिंग वगैरह सब डिस्कस करते हैं। यूनिट फाइव में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन हमारा चलता है 46 से 55, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट फाइव में होंगे, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स आएंगे आपके पास, क्योंकि आपको पता है 4 यूनिट पुराने ही सिलेबस की है, तो 4 यूनिट के नोट्स वही होंगे पुराने वाले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 यूनिट की वीडियोस भी वही पुराने वाली सेम ही रहेगी है ना, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करता हूं, ठीक है। एक यूनिट मुझे अपलोड करनी है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर बुक की बात करें, बुक ले सकते हैं आप, HK दास की ले सकते हैं या फिर NP बाली की बुक ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। मैं प्रीफर करता हूँ NP बाली है ना, NP बाली आप ले सकते हैं। तो ये सब हो गए हमारे लेसन प्लान, सिलेबस और बुक्स के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर करें है ना, बताएं उनको कि हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 और साथ ही साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये सभी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से मैंने बना रखी है ना। तो अपने दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। थैंक यू।